बाकी लोगों के, सामने वाले लोगों के प्राइवेट पार्ट्स की तरफ बार बार देखने का ओसीडी, इसके बारे में आज बातचीत करते हैं। तो आइए, मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। एक 35 साल का लड़का मेरे पास में आया कुछ दिन पहले और बहुत डिस्टर्ब था। पिछले 1 साल से वो घर के बाहर नहीं जा रहा था, अकेला खुद आया। उसको पूछा क्या हो गया भाई, क्यों आए? बोले कि मैं काफ़ी दूर से आया था, 500 किलोमीटर दूर, और 1 साल से मैं घर में बैठा हूँ। पूछा क्यों? तो बोले मुझे बार 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 मेरी नज़र सामने वाले कोई भी आदमी रहा, पुरुष, तो उसके प्राइवेट पार्ट की तरफ जाती है। कोई भी सामने आया तो मैं उधर ही देखता हूँ सामने, और फिर मुझे रहा नहीं जाता, फिर मेरी नज़र फिर बाद में जाएंगी, फिर मैं और कुछ इधर उधर देखूंगा तो फिर नज़र नहीं जाएंगी, और फिर मुझे वो अच्छा लगता नहीं। मुझे लगता है कि लोग मुझे क्या बोलेंगे, लोग मुझे हंसेंगे, लोग मेरे को टोकेंगे, लोग मेरे को मारेंगे। तो फिर इसलिए फिर उसने क्या किया कि लोगों के सामने जाना ही नहीं, अवॉइड करना चालू किया लोगों को, क्योंकि बाकी फिर उसको कोई सूझता ही नहीं। वहाँ सामने किसी भी गए, सामने गया कि वहाँ क्या, काहे के लिए गया था, काम क्या था, कौन सा काम करना है, कुछ नहीं। उसको बार 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 वही नजर जाएगी, और घर में बैठा है वो अभी पिछले 1 साल से, तो एकदम अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर डिस्टर्ब तो है ही, क्योंकि घर के बाहर निकल नहीं रहा है। माँ बाप बोल रहे भी घर के बाहर निकल, वो माँ बाप को नहीं बोल रहा क्यों नहीं जा रहा घर के बाहर। सबसे कट कर दिए कनेक्शन, और बार बार उसको विचार आता है लोगों के प्राइवेट के पार्ट्स की तरफ देखने का, और उसको अच्छा लगता नहीं। फिर मैंने उसको बोला कि भाई देखो, मैं आपको कोई मेडिसिन देता हूँ इसके लिए, और उसके साथ साथ साइकोथेरेपी करनी पड़ेगी, काउंसलिंग करनी पड़ेगी, सम्मोहन उपचार, हिप्नोटिज्म करने पड़ेंगे, ताकि वो जो तुमको जो बार बार जो विचार जो आता है, तुम ऐसा कृत्य करते हैं, तो फिर वो उसमें फ़ायदा दिखेगा। मैंने उसको पूछा कि भाई आप बाहर क्यों नहीं जा रहे? बोले नहीं, लोग हंसते हैं। मतलब भाई कितने लोग हंसे? नहीं बोले सब हंसते। मतलब भाई तुमने किसको पूछा क्या कि तुम क्यों हंस रहे? कितने लोग हंसे बताओ, नंबर बताओ। तो बोले एक व्यक्ति हंसा। मतलब कितना अनरियलिस्टिक है कि आपको एक व्यक्ति हंसा पिछले 2-3 साल में, 4 साल में, जितना भी एरिया, मतलब आपका टाइम है वो, इसका मतलब कौन हंस रहा है? कोई तो नहीं हंस रहा है। एक व्यक्ति तो क्यों हंसा, हमको क्या मालूम है? कि मैं भाई उसके प्राइवेट पार्ट की तरफ देख रहा हूँ इसलिए वो मुझे हंस रहा है, क्या मालूम। तो जब उसको ऐसा कन्फ्रंट किया मैंने, तो बोले हाँ ये तो बात मेरे को जच रही है आप जो बोल रहे हो। मतलब ये आपने पूछा नहीं किसको कि भाई आपको क्यों और लग रहा है कि मैं आपके प्राइवेट पार्ट की तरफ देख रहा हूँ क्या? तुमने ऐसा कैसा पूछा? मतलब लोगों ने कुछ बोला कि नहीं? लोगों ने भी कुछ बोला नहीं। फिर आप एक ऐसा बोल रहे हैं कि भाई नहीं, लोग बोलेंगे इसलिए मैं घर पर बैठा हूँ। बोले सब बंद कर डालो, कुछ नहीं कोई बोलने वाला है। और फिर उसको मैंने बताया कि भाई ये जो थाट्स है, ये थाट्स आप ला रहे हैं कि ऑटोमेटिक आ रहे हैं? बोले थॉट्स तो ऑटोमेटिक आ रहे हैं, मैं क्यों लाऊं? तो फिर आप थॉट्स नहीं ला रहे, आप ऑटोमेटिक आपके बीच में दिमाग में थॉट्स आ रहे हैं, तो आप उसको निकालने की कोशिश कैसे करेंगे? जब आपने थॉट लाया नहीं है तो आप कैसे निकालेंगे? वो तो थॉट आपके कंट्रोल में है नहीं। बोले हाँ, वो भी समझ में आ गया। फिर जो आपके कंट्रोल में है नहीं, मगर आप क्या कर रहे हैं कि उसको सिग्निफिकेंस दे रहे, काफ़ी महत्व दे रहे कि ये थॉट आ रहा है, सच्ची मैं ऐसा कर रहा हूँ कि इसके प्राइवेट पार्ट की तरफ देख रहा हूँ और ये अच्छा नहीं है, लोग क्या बोलेंगे। मतलब उसको इररिलेवेंट बनाओ, उसको कोई महत्व मत दो। थॉट है, मशीनरी है, ऑटोमेटिक थॉट मशीनरी, ATM कंटिन्यूस चल रही है, ऑटोमेटिक निगेटिव मशीनरी है, ANM ऑटोमेटिक निगेटिव मशीनरी चल रही है, और वो अपना काम कर रही है। आप उसको महत्व मत दो, आप उसके दूर हो जाओ। फिर उसको ऐसा बातचीत करने के बाद में उसको मैंने हिप्नोटिज्म भी सिखाया, हिप्नोथेरेपी के लिए सेशन के लिए मैंने बुलाया उसको, उसको सेल्फ हिप्नोसिस करने के लिए बोला, और फिर धीरे धीरे मेडिसिन भी साथ में दिया उसको, एंटी ऑब्सेसिव मेडिसिन जो है, जैसा क्लोमिप्रामिन है, फ्लॉक्सिटिन है, मतलब SSRI है, वो भी दिया। धीरे 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 उसको फर्क पड़ने लगा। तो ये लोग है ना, किसके साथ में बातचीत नहीं करते, मतलब जिनको ऐसा है कि भाई नहीं नहीं सेक्सुअल जो बातें आती है, बातचीत नहीं करेंगे, और बातचीत नहीं करेंगे उनका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता, किसको बोलेंगे नहीं, और अंदर ही अंदर 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 मरे जा रहे हैं। तो आप एक काम करो, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये शेयर करो, ताकि लोगों को जिनको प्रॉब्लम है, वो लोग बैठेंगे घर में, तो घर पे बैठे बैठे देखेंगे, तो कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट लेंगे और अपना जो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है उसका इलाज करेंगे और अपना जीवन अच्छा जिएंगे। तो वीडियो देखने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए हमारा चैनल, और लाइक करने के लिए बहुत धन्यवाद। आप किस तरह का वीडियो चाहेंगे इसके बारे में, या आपको ये वीडियो देख के क्या लगा उसके बारे में, ज़रूर कॉमेंट्स में लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच।